देख रहे हैं लकी डीसी न्यूज। तो खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। साली के इश्क में साढ़ू भाई ने की साढ़ू भाई की हत्या। कोचिंग सेंटर में स्टूडेंट को लगा करंट, दर्दनाक मौत। हटा के ककराई में सरपंच के ऊपर जानलेवा हमला, पूर्व सरपंच के पुत्र ने बल्लम से किया हमला। बुंदेलखंड के एक और स्टंटबाज बिजली के तारों पर कर रहे हैं स्टंट। विद्युत कटौती बनी वरदान, बच गई जान। ये थी दिनभर की कुछ खास खबरें। अब खबरों का क्रम विस्तार से। खबरों में सबसे पहले हम बात करेंगे हत्या के मामले की। दमोदेहा थाना अंतर्गत इमलाई गांव में एक हत्या का मामला सामने आया था, जहां पर एक युवक की लाश मिली थी। जीसान ढाबे के पास ये लाश मिली थी। इस मामले का पुलिस ने आज खुलासा कर दिया। बताया जाता है कि साढ़ू भाई ने ही ये हत्या की है। पहले शराब की पार्टी हुई, उसके बाद हत्या कर दी गई। मृतक विजय रैकवार की जो पत्नी है उसे उसका साढ़ू भाई पप्पी रैकवार लगातार प्यार करता था, और इसी के चलते उसके द्वारा एक तरफा प्रेम में यह हत्या कर दी गई। इस बात का खुलासा पुलिस अधीक्षक दमो डीआर तेनिवार के द्वारा पत्रकार वार्ता में किया गया। पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आयोजित इस पत्रकार वार्ता में दमो पुलिस अधीक्षक डीआर तेनिवार, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिव कुमार सिंह, नगर पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी, दमो देहा थाना टीआई अमित मिश्रा सहित स्टाफ मौजूद रहा। विगत दिनों थाना दमो देहा क्षेत्र में 3 अक्टूबर को एक अज्ञात डेड बॉडी मिली थी। ये इमलाई फैक्ट्री के पास जो खेत और जो झाड़ियाँ हैं इसमें डेड बॉडी मिली थी। प्रारंभ में शव अज्ञात था, लेकिन बाद में यह विक्की रेकवार उम्र 36 वर्ष के नाम से, ये जो कि प्रॉपर मागज मार्ट पकड़ किराक रहने वाला था, वो शिनाख्त हुआ। क्योंकि डेड बॉडी डिकम्पोज थी, इसका पीएम कराया गया और पीएम रिपोर्ट में इसकी जो हत्या करके धारदार हथियार से हत्या करना उसका उल्लेख था। इस आधार पर 8 अक्टूबर को अज्ञात आरोपी प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। क्योंकि यह ब्लाइंड था और बड़ा गंभीर प्रकरण था, इसलिए मेरे द्वारा 10,000 का इनाम भी घोषित किया गया था। थाना प्रभारी दमो देहात और उसकी टीम के द्वारा PS-10 और साइबर की मदद से हम उस आरोपी तक पहुँचे और इस घटना को दो व्यक्तियों के द्वारा, जो इसमें इसका एक रिश्ता था पप्पी रेखवा, जो इसका रिश्ते में साढ़ू भी लगता था, यह मूलतः ड्राइवर था और उसका क्लीनर है अशोक रेखवा, जो दोनों पन्ना जिले के रहने वाले थे। यह अपने साढ़ू के यहाँ आए थे, रिश्ते में आए थे और यहाँ पर 3-7 मिनट के दारू पी और अचानक रात में जो 30 तारीख की रात को ये उपसात घटना होती है। दोनों आरोपी को ने जो स्वीकार कर लिया है और घटना में प्रयुक्त चाकू, पत्थर और जो गाड़ी है वो भी जब्त कर लिए। आरोपी को न्यायिक हिरासत में न्यायालय। सर वजह क्या थी हत्या की? वजह बोलता तो यह, चूंकि उसका साढ़ू भाई था, यह अपने साली से एक पक्षी प्रेम भी करता था। साली साढ़ू से शिकायत करती रहती थी कि ये जो मुझे शराब पी करके आए दिन मारते पीटते परेशान करते रहते थे, तो उससे परेशानी से मुक्ति दिलाने के लिए ये घटना करी। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज़, दमोह। दमोह जिले के हटा थाना अंतर्गत ककराई से एक बड़ा मामला सामने आया, जहां पर एक सरपंच के ऊपर जानलेवा हमला किया गया, बल्लम से हमला किया गया, आरोपी फरार हो गए। हटा थाना अंतर्गत लगातार तेजी से अपराधों का ग्राफ बढ़ रहा है। अब एक बड़ा मामला सामने आ गया, जहाँ सरपंच के ऊपर जानलेवा हमला हो गया, बल्लम से हमला किया गया। बताया जाता है पूर्व सरपंच के पुत्र नरेश पटेल के द्वारा वर्तमान सरपंच राम मिश्रा के ऊपर ही हमला किया गया। गंभीर स्थिति में उन्हें जिला अस्पताल में दाखिल किया गया, जहां उनका उपचार जारी है। हटा से उन्हें दमोह रेफर किया गया था। पेट में बल्लम मारी गई है। क्या पूरा मामला है, आइए जानते हैं। गोलू मिश्रा। कहाँ के रहने वाले हैं? हटा। ये कौन है आपके? जिया जी। क्या नाम है इनका? राम कुमार मिश्रा। कहाँ के रहने वाले हैं? रहने वाले तो कुटरी के हटा में रहते हैं। क्या हो गया आज इनके साथ? झगड़ा हो गया सर। किससे? अरे वो एक नरेंद्र पटेल नाम का लड़का है। किस बात को लेकर?
कुछ पैसे ऐसे का लेन देन था। क्या, क्या मारा है उन्होंने? उन्होंने कोई हथियार मारा है धारदार सर, पता नहीं है, अब हम तो थे नहीं वहाँ पे। जी सर, ये क्या करते हैं, कौन? ये सरपंच है। कहाँ के सरपंच है? कुटरी सरपंच, कुटरी के सरपंच है। घटना के बाद से आरोपी फरार चल रहा है। देखने लायक होगा पुलिस कब तक आरोपी तक पहुंच पाती है। संजय सरवरिया, लकड़ी से न्यूज दबाओ। दमोह पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आज एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जहां पर गुम हुए मोबाइलों को वापस लौटाया गया। साथ ही दमोह पुलिस कंट्रोल रूम में आज एक पत्रकार वार्ता आयोजित की गई। इस पत्रकार वार्ता में जहाँ गुम हुए मोबाइल वापस ढूंढ कर दिए गए, वहीं दूसरी ओर यह भी बताया गया कि कॉम्बिंग गश्त में किस तरह से पुलिस को सफलता मिली है और नशा के क्षेत्र में किस तरह से पुलिस के द्वारा काम किया गया। सूरज है, पूरे प्रदेश में 8 अक्टूबर से नशा मुक्ति अभियान चलाया जा रहा है। उसी अभियान के अंतर्गत जिला दमोह में निरंतर नशा मुक्ति के संबंध में प्रभावी कार्रवाई की गई है और की जा रही है, और यह निरंतर की जा रही है। अभी तक 8 अक्टूबर के पश्चात 9 NDPS एक्ट के प्रकरण में कार्रवाई हुई है, 197 आबकारी एक्ट के प्रकरण पंजीबद्ध हुए हैं, जिसमें 1244 लीटर शराब जब्त की है। उसी के साथ ही सार्वजनिक स्थान पर जो शराब पीने वाले व्यक्ति हैं उनके 39 व्यक्तियों पर कार्रवाई की गई है। शराब पीकर वाहन चलाने वाले व्यक्तियों पर 185 जिसकी कार्रवाई होती है, वह 11 व्यक्तियों पर कार्रवाई की है। और जो सार्वजनिक स्थानों पर सिगरेट पीते हैं और तंबाकू का सेवन करते हैं और थूकते हैं, उन 26 व्यक्तियों पर फाइन की कार्रवाई की गई है। और जो लाज ढाबा होटल है, इसमें करीब करीब 600 बार जो है पूरे जिले के जितने भी लाज ढाबे होटल हैं जहाँ पर शराब बैठ कर की पी या पिलाई जाती है, उनकी चेकिंग की गई, उनकी कार्रवाई की गई। इस प्रकार से 8 अक्टूबर से लेकर के अभी तक माननीय मुख्यमंत्री निर्देशानुसार जिला दमोह में प्रभावी कार्रवाई की गई। जैसा कि शासन का संकल्प है कि प्रदेश को नशा मुक्त करना, उसके लिए और निरंतर प्रयास करना, उसी संकल्प में हम बद संकल्प हैं, इसके लिए निरंतर हम कार्रवाई कर रहे हैं। आपको कई बार अवसर आता है कि किसको खबर दें, इसलिए हमने एक हेल्पलाइन भी जारी कर रहे हैं। उस हेल्पलाइन का जो जिला दमोह का नंबर रहेगा 7049137102। यह कंट्रोल रूम में जो बैठता व्यक्ति हुआ इस स्पेशल नंबर को अपने साथ रखेगा, इस पर जो भी सूचनाएं प्राप्त होती है, एक तो सूचना में उसका नाम पता अगर बता भी देगा, लेकिन हम कार्रवाई करने के लिए उसका नाम और पता पूर्णतः गोपनीय रखेंगे। यहाँ कंट्रोल रूम में उसकी एंट्री की जाए, किसने मतलब फोन किया है और किससे संबंधित है और इस पर क्या कार्रवाई की गई है, ताकि समय समय पर उस पर की गई कार्रवाई से आपको अवगत भी करा दें। इस हेल्पलाइन से आम जनता अवैध गतिविधि जो शराब से संबंधित है या ड्रग्स से संबंधित है, मादक पदार्थों से संबंधित है, इसकी सूचना आसानी से आम व्यक्ति कर सकेगा और शिकायतकर्ता का नंबर जो है पूर्णतः गोपनीय रहेगा। एक नंबर नंबर है 7049137102 और ये जो कंट्रोल रूम का है उसको बुला लीजिए, उसको नंबर मोबाइल नंबर भी इसको दे दिया है लेकर के, और सबसे पहला नंबर फोन में ही लगा देता हूँ। इस अवसर पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिव कुमार सिंह, नगर पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी भी मौजूद रहे। संजय सरवरिया, लकड़ी से न्यूज दमोह। दमोह जिले के हटा थाना अंतर्गत इटवा रामपुर से एक मामला सामने आया, जहां एक बहू ने सास की उलाहना से तंग आकर अपने ऊपर केरोसिन का तेल डाल लिया और पी लिया, उसके द्वारा मौत को गले लगाने का प्रयास किया गया। दमोह जिला अस्पताल में उसे गंभीर स्थिति में दाखिल किया गया, जहाँ उसका उपचार जारी है। महिला के मायके पक्ष के लोग लगातार ससुराल पर दहेज की मांग करने का आरोप लगा रहे हैं, बेटी को परेशान करने का आरोप लगा रहे हैं। क्या पूरा मामला है, आइए जानते हैं। क्या हो गया आपके लिए? तेल पी दारा। किसने? हमने। क्यों? ससुर मारवे घरों को। किस बात को लेके?
मोबाइल ले रहा था तो हमने कहा छूने गाई की वे हमारे उन्हें बताते हमारे पति देव हूँ सो हमने कहा छूने गाई ससुराल से हमसे लड़का ली ससुर हमें मार वे धोरे तो आपने क्या किया फिर सास बोला थी कल भी लड़ा थी सो कल भी बोला थी अगर ऐसी लिखी हो तो मार के बता दी फिर आपने क्या किया हमने मट्टी का तेल डाल दिया उसके बाद कछू नहीं आग वगैरह नहीं लगी कहीं नहीं क्या नाम है आपका बबीता पूरा नाम क्या है बबीता ठाकुर कहाँ से आई है इटवा राम पर थाना कौन सा लगता है जी क्या नाम है आपका उत्तम सिंह क्या हो गया है माने ससुर ने और सास ने मारो है और देव ने सो मिट्टी को तेल पी लो किसने बबीता ने कौन है आपकी बच्ची है मेरी उनने मेरे को ने किसी ने फोन लगाया है परिवार से तो आपको कैसी जानकारी देनी हम अपने बहनों के तो पैसा लेने गए थे सर 10,000 रुपये अटके थे हमें तो सवेरे से हम पहुँच गए हम माने डरी मिली हमारी बहन रोन लगी कहाँ की घटना है ये इटवा रामपुर कौन सा थाना लगता है हटा आप कहाँ से आए हम बिलाई से आप किस पे आरोप लगा रहे हैं अब सास ससुर पे लगाएंगे सर जिसने मारा है उसी भी तो लगाएंगे तो देर कोई विवाद था पहले से क्या पहले से भी आठ पाथे लड़ते हैं भैया मारते हैं दो चार बार हमारी भी ठटरी आके भी बांध दी किस बात को लेकर कि तुम्हारी बच्ची या सब ऐसा दहेज की प्रति सब कह रही इतना नहीं दिया है तुम्हारे बाप ने उतना नहीं दिया है दहेज की मांग करते हैं हाँ अबे तक अर्शद बंटी पठान लकी डीसी न्यूज दबाव दमोह जिला अस्पताल में सिक्योरिटी गार्ड के द्वारा लगातार चेकिंग की जाती है पान गुटखा जर्दा बीड़ी सिगरेट लेकर अंदर नहीं जाने दिया जाता साथ ही अगर कोई इस तरह से कृत्य करते हुए पाया जाता है तो 200 रुपये उसको जुर्माना किया जाता है अस्पताल में स्वच्छता की मुहिम को सफल बनाने के उद्देश्य से चालानी कार्यवाही की जा रही है भैया जो किसी भी प्रकार का नशा लेके याद करते हैं आदमी बीड़ी गुटखा सिगरेट गांजा तम्बाकू दारू उसके 200 रुपये जुर्माने होते हैं वे भी शासन में जमा होते हैं और हम लोग रोकते हैं रोकथाम करते हैं मिलता है तो रसीद काट देते हैं उनके तो अभी चलते था भैया बहुत दिन से है करीब 1.5 साल से बंदी करती थी अभी बीच में बंद हो गई फिर अभी नए सर आ गए हैं राजेश नामदेव जी उन्होंने और ज़्यादा कार्रवाई कड़की कर दी अरे सैकड़ों आते हैं भैया कोई कटवाता है कोई दबंगिया ही बताता है फिर भी हम किसी को नहीं छोड़ते कितना 200 रुपया लगता है बंदी का 200 रुपया लेते हैं और काटते हैं उनको बंदी भी देते हैं जुर्माने की अभी पकड़ा अभी सवेरे से दो बंदी काट दी 400 रुपये की 200 रुपये मिलाकर दो लोगों नहीं उनसे पूछते हैं कहते हैं तो कहते हैं नहीं रखे हैं और चेक करने की बोलते हैं तो बता देते हैं कि है मेरे पास तो हम लोग बंदी काट देते हैं पहले कहते हैं कि डाल दो कचड़े के डिब्बे में या बाहर रखे आओ गाड़ी घोड़ा में वे नहीं जाते रखने पर निकलती है तो हम लोग बंदी काट देते हैं जुर्माने की क्या नाम है आपका हमारा भागचंद अहरवाल यहाँ ड्यूटी गनमैन है करते हैं अर्शद बंटी पठान लकी डीसी न्यूज जवीरा जनपद क्षेत्र के समाज सेवी संगठन के द्वारा चंडी चोपड़ा जैन धर्मशाला एवं परस्वास हथकरघा केंद्र में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जिसमें डॉक्टर विक्रांत सिंह चौहान ने अपनी टीम के साथ पहुंचकर 100 से अधिक मरीजों का स्वास्थ्य परीक्षण किया साथ ही उन्हें दवा भी उपलब्ध कराई ग्राम चंदी चौपड़ा और जिसमें लगभग 100 के करीब मरीज हमने देखे और निःशुल्क दवा का वितरण भी किया और कुछ जांचों में 20-30% तक का छूट भी दिया और ग्राम परसवाहा के हथकरघा केंद्र में हमने लगभग 50 मरीज देखे निःशुल्क और निःशुल्क दवाइयों का वितरण किया इस अवसर पर संगठन के सदस्यगण मौजूद रहे संजय सरवरिया लकी डीसी न्यूज दबाव दीपावली का उत्सव चल रहा है ऐसे में स्कूलों में जहां अनेक तरह के धार्मिक आयोजन हो रहे हैं सांस्कृतिक आयोजन हो रहे हैं तो वहीं
एक स्कूल ऐसा भी जहां पर पूजा की विधि बच्चों को समझाई गई। छोटे छोटे बच्चों को इस बात की जानकारी दी गई कि दीपावली का पर्व क्यों मनाते हैं, क्यों सभी के साथ खुशियां बांटते हैं, किस तरह से पूजा अर्चना की जाती है। ऐसा किया गया शाइनिंग स्टार स्कूल में। आइए देखते हैं किस तरह से बच्चों के द्वारा ये पूजा की जा रही है। संजय सरवरी, लकी डीसीएन न्यूज, दबाव। दुर्गादास बरखेड़ा के लोग काफी परेशान है, सड़क को लेकर परेशान है। बड़ी संख्या में दबो पहुंचे, कलेक्ट्रेट पहुंचकर इनके द्वारा एक शिकायत दर्ज कराई गई और कार्रवाई की मांग की गई। इनका कहना कि आज तक इनके गांव में सड़क नहीं बनी है, बरसों से सड़क को लेकर परेशानी है। कई बार इनके द्वारा ज्ञापन भी दिया गया लेकिन किसी ने इनकी फरियाद नहीं सुनी। दो दिन के अंदर अंदर अगर शादी पूरा करा देंगे हम लोग, खुद ऐसा कदम उठाने के लिए इतने तो हम लोग कर जाते हैं। नाला पड़ता है सर, वो बरसात में पानी गिर जाता है, बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। पिसाई भी करने को जाते हैं, चढ़ते हुए निकलो वहाँ से। किसाने के लिए भी अगर चक्की पे जाओ, बच्चा लोग भी स्कूल जाते हैं, बच्चा पानी स्कूल जाते हैं, इतने गढ़ के बहुत गंभीर व्यवस्था है, हम लोग सही नहीं है। लेकिन हम लोग बच्चा लोग परेशान है, स्कूल जा रहे हो, हर चीज हो, कोई बीमार हो जाए तो खटिया से लेकर चार पांच लोग लगते हैं जब उसको। क्या नाम है आपका? मिलन पटेल। कहाँ से आए हो? दुर्गादास बरखेड़ा से। क्या समस्या है? समस्या ये है कि कड़ने को रास्ता नहीं है और बच्चा लोग स्कूल जाते हैं तो रास्ते में जाने को दिक्कत जाती है और एक रास्ता की परेशानी है। हर चीज जो किसान लोग हैं जिसकी निजी जमीन है तो वो बोलते हैं कि यहाँ से है नहीं है, तो हम लोगों की रास्ता बन नहीं पा रही है, ये समस्या है। क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं कि हमारे यहाँ रास्ता बन जाए। बीच में कम। मेरा नाम बबलू पटेल। कहाँ से आए हो? चकेली से, दुर्गादास बरखेड़ा। क्या समस्या है आप लोगों को? हम लोगों को रास्ता की समस्या है और क्या है, बीच में बता रहे पटवारी साहब के शिकायत थी कि रास्ता बीच में सरकारी अगर बगल कटी है। हम लोग किसानों के में जाते, किसान कहते कि यहाँ हमारी जगह है, यहाँ सरकारी नहीं है। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग रास्ता चाहते हैं। देखने लायक होगा इस बार इनकी फरियाद कोई सुनता है या नहीं। संजय सरवरिया, लकी डीसी न्यूज, दबाव। बुंदेलखंड में स्टंट बाजों की कमी नहीं है लेकिन आपने ऐसा नहीं देखा होगा क्योंकि बिजली के तार पर ही स्टंट करने लगे। हम आपको दिखाने जा रहे हैं
कि किस तरह से बिजली के तारों पर स्टंट हो रहा है। दमोह के बटियागढ़ के सहजादपुरा से पूरा मामला सामने आया है, जहां पर बिजली के तारों पर स्टंट हो रहा है। स्टंट भी ऐसा नहीं कि कोई छोटा मोटा, बिजली के तारों पर ही स्टंट हो रहा है, जिससे हमारे और आपके घरों तक बिजली आपूर्ति सुचारू रूप से पहुंचती है। इन्हीं तारों के ऊपर एक युवक लटका हुआ है, लगातार स्टंट कर रहा है, लोगों से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। वह तो भला हो विद्युत मंडल का, जिसके द्वारा विद्युत कटौती की जा रही है, नहीं तो यहाँ पर विद्युत आपूर्ति सुचारू रूप से चल रही होती तब तक युवक की मौत होने की संभावना भी थी। लेकिन विद्युत मंडल के द्वारा लगातार कटौती की जा रही है, जिससे क्षेत्र में इस तरह की घटना नहीं घट पाई। लोग विद्युत मंडल का शुक्रिया भी अदा कर रहे हैं कि यहाँ पर लाइट नहीं थी, जिसके चलते युवक की जान बच गई। इससे सिद्ध होता है कि बिजली कटौती से कहीं ना कहीं लोगों की जान भी कभी कभी बच जाती है। स्टंटबाज हैं, खंभे के तार के ऊपर चढ़ा हुआ है, स्टंट कर रहा है। हमारा आपसे आग्रह है कि इस तरह का स्टंट आप ना दोहराएं। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज, दबाव। दमोह नगर कोतवाली अंतर्गत एक बड़ा मामला सामने आया, जहां कोचिंग सेंटर में एक छात्र को करंट लग गया, जिससे उसकी दर्दनाक मौत हो गई। मामला टंडन बगीचा से सामने आया है। नगर कोतवाली अंतर्गत दमोह नगर के टंडन बगीचा में अनेक कोचिंग संचालित होती हैं। अधिकांश कोचिंग का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, लेकिन वह लगातार संचालित हो रही हैं। और इसी कोचिंग सेंटर में एक युवक पढ़ने गया था, जिसका नाम अंश पिता अमित पटेल था। 17 वर्ष इसकी उम्र थी, जिसे करंट लग गया। गंभीर स्थिति में जिला अस्पताल में उसे लाया गया, जहां पर उसकी दर्दनाक मौत हो गई। डॉक्टरों के द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया। बताया जाता है करंट इतना अधिक तेज था कि उसके हाथ बुरी तरह से जल गया, पेट में भी एक गड्ढा हो गया। सुबह मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराया गया, शव परिजनों को सौंपा गया। पुलिस के द्वारा कोचिंग संचालक के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। बताया जाता है कोई इमरान सर की ये क्लास यहाँ पर चलती है, जिसमें स्टूडेंट को करंट लगा है। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज, दबाव। मदरसा फैजान अब्दुल सलाम चिश्ती का सालाना जलसा संपन्न हुआ, जिसमें मदरसे के बच्चों ने दीनी प्रोग्राम पेश किए। इस अवसर पर शहर के इमाम और अध्यक्ष सफीर खान मौजूद रहे। स्थानीय पुराना बाजार चिश्ती नगर में स्थित मदरसा फैजान अब्दुल सलाम चिश्ती का सालाना जलसा मनाया गया। 18 अक्टूबर को हर साल यहां पर सालाना जलसा मनाया जाता है, जिसमें मदरसा के बच्चे दीनी प्रोग्राम पेश करते हैं। इस मौके पर बच्चों ने अपने कलाम, तकरीर, बयान और दीनी कलमात पेश किए। बच्चों की हौसला अफजाई के लिए हाफिज़ खलील साहब, मौलाना तहसीन रजा साहब, हाफिज़ मुनव्वर साहब के अलावा शहर कमेटी के अध्यक्ष जनाब सफी खान उस्ताद मौजूद रहे। इसके अलावा अजीज बाबू सर्वेयर, छिद्दन मिस्त्री, हुसैन चिश्ती, अयूब चिश्ती के अलावा इदरीस ठेकेदार, अब्बास ठेकेदार के द्वारा बच्चों को इनामों से भी नवाजा गया और मेहमानों का इस्तकबाल किया गया। इम्तियाज चिश्ती, लकी डीसीएन न्यूज, दमोह। खामोश रहो या तो फिर ऐसी बात करो जो खामोशी से बेहतर हो। तालीम से आदमी की बेहसत और दीवानगी सब दूर हो जाती है। तीन चीजें इंसानों को बर्बाद कर देती हैं, गुस्सा, बदचलनी, नाफरमानी। सरकार मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के नबी होने की आवाज जैसे ही पहुंची, फौरन इस्लाम कबूल करके सरकार मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की गुलामी में दाखिल हो गए। हजरत लोगों ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, मेरे बाप के कुर्बान, उनकी आंखों में तकलीफ है। क्या हुआ? हैदर करार रजी अल्लाह तआला अन्हु दरबार में
हुसैन भाई कसीब ला है और हमारे जो आज के सदर हैं उनका इस्तकबाल फरमाए। माशाल्लाह। और जनाब अल्लाह ताला हम सबको ईमान के साथ जिंदा रखे और ईमान के साथ। चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर। साली के इश्क में साढ़ू भाई ने की साढ़ू भाई की हत्या। कोचिंग सेंटर में स्टूडेंट को लगा करंट, दर्दनाक मौत। हटा के ककराई में सरपंच के ऊपर जानलेवा हमला, पूर्व सरपंच के पुत्र ने बल्लम से किया हमला। बुंदेलखंड के एक और स्टंट बाज, बिजली के तारों पर कर रहे हैं स्टंट। विद्युत कटौती बनी वरदान, बच गई जान। तो ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें। अगला न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।